हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जंतर मंतर में संविधान की प्रतियां जलाने के विरोध में एसटी एससी युवाओं ने सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान की प्रतियां जलाने के विरोध में एससी एसटी युवाओं ने बाड़मेर एडीएम राकेश कुमार के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर कार्यवाही करवाने की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होने की अवधारणा का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे घृणित कृत्य से लोकतंत्र में विश्वास करने वालों को भारी ठेस पहुंचेगी। ज्ञापन में उन्होंने जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर सख्त कानूनी कार्यवाही करवाने की मांग की है। मैं प्रेम प्रकाश चौहान, समस्त एससी एसटी संगठनों के जरिए आज हम समस्त एससी एसटी के बंधुवर और देश की आत्मा, देश की राजधानी जहाँ पे भारत सरकार अपना कार्य कर रही है, जंतर मंत्र पे संविधान की प्रतियां जलाने का दुष्प्रभाव किया गया है और संविधान की प्रतियां जलाना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, समता बंधुता भाईचारे के भावना का विरोध करना है और इस प्रकार के जो कृत्य किया है उनकी पहचान करके उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ये हम सब देश के गणराज्य में विश्वास करने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले भाइयों का निवेदन है और हमने कलेक्टर के मार्तब श्रीमान महामहिम महोदय को ज्ञापन दिया है कि इनकी पहचान कर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। जय भीम। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।